हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फार क्राई 2 की एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड लास्ट गेम प्ले जितना खतरनाक था, बहुत ही डरावना भी था। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो गेम प्ले काफ़ी छोटा था बाकी गेम प्लेस के कंपैरिजन में। एंड बहुत ज़्यादा मिशंस नहीं कंप्लीट हो पाए, बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आ गई है कि साउथ में भाई साहब माहौल बहुत ख़राब है। राइट, ये जो साउथ का मैप है, यहाँ माहौल लिटरली बहुत ख़राब है। नॉर्थ में इतने कह सकते हैं आप, इतने गुस्से वाले नहीं थे बंदे, बट यहाँ तो हर किसी के नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ है। एंड वर्स्ट, अगर आप एक जगह जाते और वहाँ आपकी भिड़ंत हो जाती है इन लोगों से, बहुत बड़ी टोली है इन लोगों की। उठा सकता हूँ, वाह ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि एम्यूनिशन उठाने पे ये मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ज़्यादा दोस्ती यारी करनी नहीं है, देख रहे हो। ठीक है, रास्ता। अच्छा जी, ओके। सो ये ब्लू वाला मेरे बड़ी का मिशन है, रेड वाला मेन मिशन है। चाहो तो मैं डायरेक्ट, एक सेकेंड। जीप रखी है यार, क्या बात है। इस जीप का फायदा तभी है जब मैं नहीं, यहाँ जीप ही है, ये देखो ये भी जीप ही है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से निकला था तो शायद मेरे ऊपर अटैक हो गया, शायद इस बार क्या होगा। अरे यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं गलत रास्ता तो नहीं ले लिया? आई डोंट थिंक, मुझे लगता तो नहीं है, शायद यहाँ से सीधे जाना है और सीधे जाने के बाद यहाँ से लेफ्ट करना है। ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, अटैक करने वाली पार्टी कहीं से भी आ सकती है, इधर भी हो सकती है। मैं मस्ती ले रहा हूँ, ये ज्यादा ही मस्ती कर रहा है। हद है, कम ऑन। वाओ, दिस इज स्टुपिड, डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। अच्छा, कांड करके ही जाऊंगा यहाँ। सच में सोच रहा था कि ईमानदारी से निकल जाऊं, और सबसे बड़ी बात ये कोई पोस्ट नहीं है, पता है मैप में आउटपोस्ट है ये, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सप्लाईज के नाम पे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। देख रहे हो, दाल चने पता नहीं क्या क्या भिगो के रखे हुए हैं इन लोगों ने। डेंटल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक तो नहीं जाना था मुझे यार। डेंटल क्लिनिक होके ही जाना पड़ेगा, बेसिकली ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास कुछ। भाई साहब, यहाँ पे कहीं छुपा रखा है इन लोगों ने माल। अच्छा ही हुआ ये लोग आए, क्योंकि मैं शायद गलत रास्ते पे जाने वाला था। इससे और थोड़ा परेशान हूँ मैं, देखो। डायमंड 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 डायमंड, ये तो सही है, जो सामने वो ले लो, जिनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े उनको छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज बोलो या फिर पर्सनल चॉइस कह सकते हो आप लोग, बट मुझे फार क्राई 2 के साइड मिशंस रास नहीं आ रहे। रीज़न क्या है मुझे मालूम नहीं, और सारे मिशन साइड मिशन एक जैसे ही है। अगर आपको कम्युनिकेशन टावर से कोई साइड मिशन मिलता है, उसमें
जाओ बंदे को मारो। अगर आपको कोई एमिनेशन वाला साइड मिशन मिलता है तो कंगे को डिस्ट्रॉय। अब यार इसकी तो यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना है मुझे। चलो यही तो परेशानी है। आज कोई हर कोई फायर कर रहा है। आएगा जरूर मेरे पीछे भाई। स्नाइपर छोटी छोटी गोलियों की आवाज क्यों आ रही है मुझे? अच्छा ये ना ऊपर क्या है बेसिकली अंदर पहुंचने में ले जाने की रास्ता ये। और बिल्कुल आओ 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 कैसे कि यहाँ पे फायरिंग करते हुए आ गए। Over here. Trouble? Ye raha wo banda. Look, come on, man. Don't be like that. Come on, man. Don't be like that. Wow. I know those boys want you to blow up the truck. Nah, man. Don't do that. Go over to the post office instead. Grab this package. It's got a distributor cap in it. Fits your truck. You getting the picture? Once the truck is running again, drive it over to my garage, where I work. You drive it in nice and slow. We leave. And then we ignite those tanks, make everything burn. I'm leaving my ID papers in there where they won't burn. So when my old employers find them, they'll assume I died in the fire and get off by ass. Now listen, man, you've got to be careful. You don't want to start trouble too soon. Be cool when you drive into the garage. You cause trouble, then I'm leaving you behind, all right? यार ये तो बड़ा खतरनाक बता गया। Packages in post office. This is not good. सच में ये मुझे सही नहीं लग रहा। सुबह कर लूँ जरा। आई होप रात ना हो बस। ओह शायद रात हो गई। नहीं गुड सुबह ही होगी। सेव बट ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे पास। हालांकि पोस्ट ऑफिस में जो एक छोटा सा एनवलप का आइकन था कौन था भाई गाड़ी चला रहा था? थोड़ी सी सुबह और करनी है मुझे बस। थोड़ा सा दिन रहेगा तो देखने में आसानी होगी और कुछ नहीं। Continue without saving. तो अब मेरे पास ये रहा। तो पोस्ट ऑफिस पे एट अ टाइम आप देख रहे हो दो मिशन है। और डायमंड की तरह भाई इस पे चढ़ूंगा कैसे? बड़ा गंदा मजाक कर देते हैं लोग। क्या बात है इस बार तो चढ़ गया यार। और यहाँ से पोस्ट ऑफिस है किधर है? वाओ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। एंड लास्ट गेम प्ले में ही ऐसा हुआ था कि जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचा था लिटरली वहाँ बहुत तबाही थी। मतलब एक भी बंदा नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आए जा रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ से भागने के। ओके सो पांच गोलियाँ मेरी बढ़ गई हैं। राइट चलो पोस्ट ऑफिस अभी सबसे क्रिटिकल जगह है।
यार यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं, और अभी तक मुझे अपने स्टेल्थ सूट की खासियत नहीं पता चली, वो सिर्फ कहने को लग रही है मुझे कि एक स्टेल्थ सूट है मेरे पास, बट उससे मैं बचा नहीं हूँ अभी तक। जहाँ बैठा रहता हूँ वहीं गोलियाँ मुझे लगती हैं। वाओ यह है पोस्ट ऑफिस, और मिशन क्या कहता है? आइदर रिट्रीव द पार्सल कंटेनिंग द ट्रक पार्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और गो डंडरक्ली एंड डिस्ट्रॉय द नाइट्रस नाइट्रस टैंक ऑन द फ्लैट बेड। वाओ वाओ देखो यहाँ और क्या है। एक भाई साहब ये स्नाइपर है, देख रहे हो? सब तो लुखे पुखे है, मेन चिंता है स्नाइपर से, पर स्नाइपर मेरे इंटेल में आया नहीं, ये मेरे लिए चिंता का विषय है भाई। किधर गया? बंदे भी तो बहुत है ना यार, बट ऊंचाई का एक फायदा मिलना चाहिए मुझे। टपका सकते हैं उतने तक टपका है भाई साहब। एक दो नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया? यही लास्ट टाइम फंसा था मैं, बस छुप छुप के ही खेलना पड़ेगा। स्नाइपर भाई साहब, छुप के ही चलना है, ज्यादा उठना नहीं है। लास्ट टाइम यहाँ बहुत ज्यादा बंदे थे, और ज्यादा तो अभी भी। मैं अभी भी स्नाइपर को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। भाई कहाँ कहाँ घूम रहे हैं लोग, कसम से मुझे लगा था कि सारे निपट गए। है जिसने ग्रेनेड फेंका है उसकी, भाई पोस्ट ऑफिस में तो धमाका करवा रखा है इन लोगों ने।
कोई तो बचा है यहाँ आसपास। स्नाइपर कहाँ है यार? वो सबसे मेन है मेरे लिए, बिकॉज वो ऐसी जगह छुपा हुआ है जहाँ से वो टक 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 करके निशाने ले रहा है मेरे ऊपर। और स्नाइपिंग का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर आप छुपे हो और दूसरा आपकी नज़रों के सामने है। फायर कहाँ से कर रहा है? बहुत दूर था भाई। अच्छा अभी भी नहीं मरा वो, अब गया। चलो जी ऊपर से पूछा कि शायद मेरे प्लेयर के पैर की हड्डी टूट गया है। अबे होली क्रैप, अंदर लेटे हुए हैं ये लोग भाई साहब। यार ये नहीं प्रिडिक्ट किया था मैंने। एक सेकंड, यहाँ टेप भी है और एमिनेशन ले लो भाई। पहले अटैक हुआ तो एमिनेशन लेने लायक ही नहीं बचूंगा। और वेरी नाइस, ये अच्छी चीज मिली। एनवेलप कहाँ है यार वो? Got the package? Then it's time to find the truck, brother. हद ये मिशन आसान नहीं है कसम से। अच्छा इधर ही है। ओह एनवेलप ही लेना था मुझे। यस एक सेकेंड, अब मुझे वाओ ट्रक। सीरियसली मैंने कहा ना ये बड़ी मिशन में यही परेशानी होती है, एक मिशन को दो बार करवाते हैं लोग। हद है, यहाँ सेव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है वैसे। देखता हूँ स्नाइपर वाले के पास शायद कुछ गोलियाँ हों। कंगला ये भी वाओ, इसके आसपास स्नाइपर की बंदूक तक नहीं है। गोली तो बहुत दूर की बात है ना। वाओ गाड़ियां ही गाड़ियां। चलो जी पोस्ट ऑफिस इतना हैवी गार्डेड है, ऐसा लग रहा है मैं प्रिजन में आया हूँ। पोस्ट ऑफिस तो लग ही नहीं रहा है। एक चीज मेरे दिमाग में जो आ रही है इसको सेव करके चलता हूँ यार, अगर डेथ हुई तो ये पूरा का पूरा फिर से करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल होगा। यार कहाँ जा रहा हूँ? आप सही है ना, देखो उसे सब छुपा रखा है किसी को मिले ही ना। देखो
बिल्कुल अंदर बिहड़ जंगल होगा। मेरे पास यहाँ पर आओ, अगर गाड़ी से गाड़ी टकरा के मेरी गाड़ी को नुकसान होता तो मुझे दुख होता। ये क्या है, केरोसिन की बोतल? एम्यूनेशन है नहीं। ओके वाह, अगर इसी को रख दूंगा तो फिर हाथ में क्या रहेगा। चलो दिन दिन में ही निपटा लिया फटाफट, अच्छी बात यही नहीं। इसको सेव करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, बिना सेव के चल पाना थोड़ा सा दिक्कत देता है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे इतना कांड हुआ है। राइट, चलो कम ऑन। बेसिकली इस रास्ते से निकल के मुझे वहीं जाना है जहाँ पे मेन था। अगर मैं चाहता तो एक ही बार में उस जगह को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था और मेरा मिशन एक ही बार में हो जाता, बट अब मुझे बड़ी के चक्कर में यहाँ पे भी तबाही करनी पड़ी है और वहाँ भी करनी पड़ी, तो दो तरफा काम हो गया। और ये मुझे लग रहा है शायद टेंशन के बाद बात के कांड किया है। मैट किट तो मिलेगा नहीं इन कंजरों के पास, मुझे मालूम है। अच्छा नहीं, यहीं से जाना भाई, इससे लेफ्ट हो जाना है, बेसिकली लेफ्ट ही चलो। आओ, तार लगा रखे इन्होंने। रुको, कहाँ गया? वेरी गुड, ये कौन सी बंदूक है? यहाँ पे अब एक सेकेंड, स्नाइपर दिख गया मुझे। बिना बात के हल्ला फेला है, मर गया नहीं मरा, ऊपर जाके देख के आऊंगा। कोई मतलब नहीं था मेरा यहाँ रुकने का, बट इन लोगों को चूल थी ना। ये देखो भाई साहब, कौन सी गन है ये? माइंड ब्लोइंग यार, एक तो गोलियां भी ज्यादा है और 10 गोली एक साथ है, इसी को लेके चलता हूँ। बट अगर कहीं जैम हो गई तो मेरे कांट हो जाएंगे। कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने के लिए मुझे इनकी सप्लाईज चेक करनी पड़ेगी, जो बेसिकली नहीं। कोई जिंदा बच गया क्या? सरप्राइज ये रहे ना। चलो जी, तो ये रास्ता है ही ऐसा, इसके अलावा यहाँ से जाया ही नहीं जा सकता। बट मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि गार्ड पोस्ट को स्काउट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगली बार आप फिर आओगे वहाँ फिर से गार्ड मिलेंगे। 2008 के हिसाब से अगर मैं बताऊँ इस गेम का जो ओपन वर्ल्ड जो
भाई मेरे पास भी है स्नाइपर। कहाँ गए? ओ, ओ, ओ। अरे तेरी ये देखो कितनी बार बचेगा भाई। ये गन बड़ी अच्छी मिली है सच में यार, इसका नाम देखना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर मुझे बंदे मारने ही हैं तो क्यों ना मैं पहले हाई ग्राउंड पे चला जाऊँ। परेशानी सिर्फ तब होगी जब यहाँ पे ग्रेनेड मारेगा या इस जगह को चलाएगा। मुझे लगा मैंने वहां किसी को देखा। यार ये रहा, रुक 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 रुक, ये देखो जैम हो गई, मैं बोला था। ये परेशानी है, गन्स की परेशानी यही है यार। ट्रक तो पूरा मरा हुआ लग रहा है मुझे, इसी ट्रक को रिपेयर करना है। चलो अब कोई मिला तो सीधे हाथापाई होनी है, हालांकि मैंने कोशिश करी है। कौन हाफ रहा था बे? सीरियसली इतना गंदा कौन हाफ रहा था? मैं डर गया एक वक्त। बंदे बचे हैं भाई, बंदा एक ही है कोई। That's it. चलो ट्रक का पार्ट हम ऑलरेडी ले आए थे, अब इसको रिपेयर करना है। एक ही मिशन है, इतना लंबा चल रहा है। वाओ म्यूजिक सुनते रहो बस। I'm at the garage. I'm waiting for you, man. I hope मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। मालूम नहीं, हो सकता मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ जाए। आओ नहीं, अब यार गड़बड़ हो गई। मलेरिया बिल्कुल अभी। I don't think I've got
और कोई बचा है। मुझे ट्रक को बड़े अच्छे तरीके से लेके जाना है, ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, मैं चाहता था इस ट्रक को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। वाओ, एक कोई तो बच गया। ट्रक को भी बचाओ, बंदे भी मारो, और ट्रक देख रहे हो कैसे चल रहा है मर मर के। सीरियसली बैड, बड़ी के मिशन इसलिए करने का मन नहीं होता। आई होप अब आगे कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ पापे। हाँ वैसे मैं उस रास्ते से ले जाता तो मुझे यहाँ से आने की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ ट्रक चलाने को मिल रहा है, ट्रक चलाओ। यहाँ तो दौड़ रहा है ट्रक लिटरली मैन। आवाज से मुझे लगा शायद कोई गाड़ी फॉलो कर रही है। आई होप यहाँ पे आप मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। हाँ जैसे वहाँ पाला था, यहाँ पे ये जगह है। वाओ 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 वाओ, अब तो मैप ही खोलना पड़ेगा। ठीक है, किसी को ठोकना नहीं, किसी को मारना नहीं। यहाँ पे अगर सीज फायर टूटा भाई, कलेश की कलेश और काम तमाम ही कर देंगे लोग। मेरा घर के अंदर थोड़ी ना ले जाऊंगा मैं यार, कैसे दिखाया इन लोगों ने घर के अंदर ले जाऊंगा। आई होप इससे काम बन जाए। मैंने वैसे ट्रक को बहुत ज़्यादा दूर नहीं छोड़ा है, बट स्टिल अगर इसके बाद भी कोई कहता है कि नहीं घर के अंदर लाना था तो वो उनकी गलती है। अरे नहीं यार, ट्रक यहाँ लाना है बेसिकली। वाओ, तो ट्रक को वहाँ ले जाए कैसे जाए, वो भी अच्छी हालत में। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छी हालत वाला वर्ड। वाह, पीछे कुछ दिखी दे रहा मुझे। अबे क्या अटक गया, एक तो मैप हाथ में। इधर से ही लाना होगा मे बी, हाँ रास्ता तो यहीं से लिखा है ना, इधर भी नहीं। ये रहा ये रहा ये रहा, कमान कमान। ओहो गैरेज में, cleared. Buddy, Mr. Buddy. Good work. Now I'm gonna short out this junction box. All right? You go on. Open up one of those tanks. कौन सा टैंक भाई? कौन से टैंक है किधर? Hey man, this is no. Climb on the back of the flatbed and open the valve of one of the nitrous tanks. Okay. Messing around. Wow. अरे यार ये इससे चढ़ूं कैसे? Seriously?
जगह छोड़ी है इन्होंने मेरे लिए। कमबख्त लो। हाँ भाई साहब धमाका होने वाला है जोरदार। ओके ब्रदर, वी गॉट टू मूव। चल 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 चल, बहुत खतरनाक धमाका होगा अभी। अरे चलना यार, ये तो मैं इसी के साथ जाना चाह रहा हूँ, बट मैं ब्लास्ट भी देख तो निकल दो यहाँ से भाई, इसके भरोसे रहूंगा तो मर जाऊंगा। करना क्या है मुझे मालूम नहीं। एक सेकेंड, क्या कहता है? हेल्प ही करनी है तो मैं भाग ही नहीं सकता, ये तो कन्फर्म हो गया। चलो यूएफएल कहाँ मार रहा है भैया, सीरियसली। और किधर है? बस डैम इट, ओह शिट, हेल्प मी। अच्छा 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 अच्छा, दबा दे दबा दे। अबेंडन क्यों करना यार बड़ी को, सीरियसली। वाओ मेरा एक सिरिंज गया, अच्छा है, मतलब सिरिंज भी बचा के रखने पड़ते हैं। एंड्रे हिप्पोलिटी हिप्पोलाइट क्या नाम है यार। मिशंस यस। वाओ यहाँ कुछ बचा ही नहीं अब। ओके ये व्हाइट कलर वाला, व्हाइट कलर वाला, उसके लिए मुझे एक सेकंड, मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से दूसरे बस स्टैंड जाना पड़ेगा। वाओ थोड़ा रिस्की लग रहा है मामला। पीछे वैसे सेफ हाउस है जो अभी तक मैंने छुआ भी नहीं है। हाँ गाड़ी चल मिल जाए कोई भाई। यहाँ पर तान दिया यार सभी को, क्या प्लान बनाया था इन लोगों ने। पहले जो मिशन था वो बेसिकली ये था कि यहाँ आओ, इस जगह को ब्लास्ट करो और निकल जाओ, राइट। उसमें इतने बंदों से लड़ाई होती, लेकिन इसने जो मिशन करवाया, पहले पोस्ट ऑफिस गए, पोस्ट ऑफिस में इतने बंदों से लड़ाई हुई और फिर यहाँ आके भी लड़ाई हुई। बट हालांकि यहाँ आके ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, बट स्टिल जाने के लिए अपना शॉर्टकट रास्ता होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने लिया था, टर्मिनेशन भी नहीं दिया यार मैंने, बहुत लैग। बंदूक जैम हो रही है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि बिना रिलोड के पट्टा फट शॉट ले, पता कैसे चलेगा। चलो मर गई गाड़ी, वो कहीं खतरनाक ही टकी है, देख रहे हो। यस देखो, और वो रहा बस स्टैंड। इसमें जंगली जानवरों का कोई रोल नहीं है हालांकि। वाओ देख रहे हो, अच्छा वो सिर्फ दूर से दिख रहा है ऐसा, अदरवाइज जूम करने पे। गन बड़ी मजेदार है यार सच में, इस गन का नाम क्या है मुझे पता करना है। ड्रैगनो तो नहीं है, मुझे लग रहा है शायद ड्रैगनो है।
तो अभी मेरे पास एक साइड मिशन छोटू सा दिख रहा है जो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। राइट, सो बड़ी के साथ एक मिशन किया एंड लेट्स सी साउथ में अभी और क्या क्या बचेगा, बिकॉज मैप बहुत बड़ा है और अब मैं ज़्यादा साइड मिशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि साइड मिशन कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा बोर करने वाला है। आपके पास कुल मिला के एक ही काम है, बंदों को मारो। ऑलरेडी मैं इतने बंदों को मार रहा हूँ, जब मैं गार्ड पोस्ट से पार हो रहा हूँ तो मार रहा हूँ, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो मार रहा हूँ, अब साइड मिशन में भी सिर्फ मारना है तो फिर मज़ेदार चीज़ नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास एक सेफ हाउस है यार जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया, तो इसको मैं इस बार अनलॉक करके जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, वेट करेंगे। मुझे लग रहा है पहाड़ के ऊपर बनाया इन्होंने, और इतने ऊपर मैं चढ़ूं कैसे? ओ, बीच में भी मेरे पास कोई मिशन है यार, ये नहीं मालूम था मुझे बीच में भी मिशन है। इधर कैसे जाया जा सकता है? शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। What the hell man? ये कैसा सेफ हाउस बनाया? मुझे लग रहा है ये ऊपर की तरफ से ही है। फिर छोड़ो, जान दो, सेफ हाउस में एनीवे मुझे करना क्या, गेम ही सेव करना है। एमओ सप्लाई वगैरह थोड़ी सी मिल जाती है, वो मैंने यहीं से ले ली। वाइट जोन, वाइट जोन। ओह, देख रहे हो पागल को, पता नहीं मरा। ये शाबाश, भाई भी है क्या? ये कहां से आया भाई? सीरियसली ये लोग कहां से आए? मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलो, जिस मिशन के लिए मैं आया था, वाओ वो दूर है यार। मुझे यहाँ या तो बोट चाहिए, बीच से होते हुए आगे जाना मुसीबत लग रहा है मुझे। ऐसी जगह यहाँ पे दंगे होते ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बंदे आपको नहीं पड़ेंगे, वो भी तब जब मैं मारुति 100 चला रहा हूँ। बच के चलना है बस, ये रास्ता। इसके बाद मैं मारियाना वाले बीच पे आऊँगा, मरीना बीच, मारियाना क्या। ऐसा है, अच्छी बात एक यही है बस, या हर कोई 800 लेके घूमता है, इसका फायदा हो जाता है। वैसे ये गाड़ी फास्ट है, एक सेकंड भाई, फास्ट गाड़ी नहीं चाहिए अभी। वाह, ये क्या है यार? कौन सी जगह? कब्रिस्तान है ये, हाँ कब्रिस्तान ही है। चलो, अभी तक उसने कुछ नहीं किया, जैसे मैं गाड़ी में बैठा उसको सब याद आ गया। में जान दो, कम ऑन सीरियसली मैन,
मैं भी यहाँ से लेके जाऊँगा, मुझे बहुत डराना उनकी नजरों के सामने ही नहीं आऊँगा, तो गाड़ी को घुमा के लेके जाऊँगा, उन्हें पता ही ना चले। ब्रिंग कंपनी, ब्रिंग कंपनी में तो भाई वैसे बहुत तहलका होगा यहाँ, बट मजे की बात यह कि वो कंपनी है कहाँ भी। लगता है मैंने बहुत पहली गाड़ी रोक दी। यही है मेरा मिशन भी, यही है। वाह, मेरा मिशन यहाँ नहीं है, मेरा मिशन यहाँ है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, ये गेम उतना स्टेल्थ वाला है नहीं जितना मैं बना के चल रहा हूँ। अगर मैं अंदर पहुँच गया और अटैक शुरू हो गया उड़ जाने मेरे, यहाँ मेरा प्लेयर तैर नहीं सकता अगर उसको चोट लगी हो तो। ये मुझे अभी रियलाइज हुआ है यार, ये तो बड़ा खतरनाक था। अब मैं सोच रहा हूँ मैं मरीना बीच वाला ही ले लूँ। यार ये जगह बहुत पनौती है मेरे लिए, जब भी यहाँ आया हूँ मेरी डेथ हो जाती है। ये देखो, ये जरूर आएंगे भाई साहब, इन्हीं के भरोसे तो चलो कसम से। हाँ जब भी आता हूँ यहाँ पनौती लगती है, यही बस स्टैंड है और यहीं से दिमाग खराब होता है। मरीना बीच वाला ट्राई करते हैं, आई होप वहाँ कोई खुल का मिशन मिल जाए। तो वाला करूँगा जरूर मैं, ड्रीवरी कंपनी में जाके मिशन को अंजाम दूँ। भूल गया था मरीना बीच में भी तो एक एमिनेशन की शॉप है भाई। बिल्कुल, और ये रही वो शॉप। पहले हील कर लो, अब मेड किट ले लो, कमा ठीक है। अब देखता हूँ उसके वेपन्स कौन कौन से, हालांकि मेरे हाथ में कौन सा मुझे मालूम नहीं अभी तक। मुझे सिर्फ स्नाइपर से लेना देना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये S50 देख रहे हो, 40 है मेरे पास, और मुझे लग रहा है मेरे हाथ में ड्रैगनो ही है, ड्रैगनो स्नाइपर। ये S50 कौन सी स्नाइपर है यार। ठीक है, और क्या है, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैनुअल्स में पैराट्रूपर्स, ग्रेनेड लॉन्चर, मैंने आई थिंक परचेस किया है ग्रेनेड लॉन्चर। आ, आ,
डार्ट राइफल वो तो बिना बात के खरीदी, देख रहे हो। अच्छा अब स्नाइपर का शायद, एक सेकेंड एक चीज़ देख लूँ मैं, बिकॉज अगर स्नाइपर मैंने अभी परचेस किए तो उसके मैनुअल्स अब ओपन होने चाहिए, राइट। सी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, एमओ तो उसका पता नहीं होगा नहीं होगा, हो जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एमओ तो बहुत है, यहाँ मिलेगा ना एमओ। ड्रैगनो वेपन क्रेट असॉल्ट चेकआउट। अच्छा स्नाइपर्स का हो जाना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी मैंने स्नाइपर्स के वो खरीद रखे हैं, राइट। सेव ही करते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आज अगला मिशन हम कर पाएंगे, ऑलरेडी काफ़ी क्लोज हो गया है टाइम, बट मिशन क्या है वो जरूर देखो। वाओ एक सेकंड मुझे चला के देखनी पड़ेगी, ड्रैगनो सही है, बढ़िया है। वाओ ये ले लिया, एक सेकंड इसमें AR, ये सबसे पहली गन है मेरी AK-47 AR लिया और इसको इसमें डाल दिया। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, एक्चुअली जो क्रेट में मैं वेपन डाल रहा हूँ वो मोर और लेस मुझे लास्ट में जब भी मैं अपने सेफ हाउस में जाऊँगा तो वहाँ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर था, ओह ग्रेनेड लॉन्चर इसमें नहीं आता है, वाओ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। अच्छा स्पेशल क्रेट नहीं खरीदा मैंने, अच्छा इसका तो खरीदा है, वेरी नाइस इसका तो खरीदा है, ये भी नहीं खरीदा, वह तेरी तो ठीक है। ग्रेनेड लॉन्चर हो गया, ये हो गई, अब निकलते हैं यहाँ से। अब देखो फुल स्टॉक है मेरे पास, अच्छा ये हो गई ना 40 गोलियाँ, हाँ वही कहूँ भाई ये स्नाइपर खतरनाक है यार। और ये रहा ग्रेनेड लॉन्चर, वन अब यार ऐसे वेपन नहीं चाहिए जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा वो मैंने चेक भी कर लिया इसको, वाह रिज मरीना बार, यहाँ का मिशन उठा देता हूँ। ये अंकल कौन है भाई? Hey, got some news. अच्छा ये बड़ी है मेरा। There's a guy here with a whole bunch of passports, like hundreds. Good money and passports. Everybody wants to get the hell out of here. This guy real jackass. Doesn't deserve to make big money. I need a guy to go to a tourist resort to find this suitcase and destroy it. You my guy? So cool. I love to screw guy over like this. Seriously? ये बड़ी है मेरा। When you get back. What the hell you doing out here? So ये दो ही बड़ी बचे हैं मेरे अभी। बाकी तो पता नहीं कहाँ चले गए। वाओ बहुत दूर है यार। और वहाँ तक ट्रेवल करने में देख रहे हो आप? Not a chance. बहुत टाइम लेगा यहाँ से, अगर मैं बोट भी पकड़ के जाऊँ तो भी घूमते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। गो टू द टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड डिस्ट्रॉय द पासपोर्ट ब्रीफ केस, ओके। सो ऑलरेडी अब यहाँ से निकलते हैं, गेम को सेव करते हैं और आज के गेम प्ले को करते हैं बंद, बिकॉज गेम प्ले ऑलरेडी हो गया है लंबा, राइट। सो मुझे लग रहा है पहला मिशन जो हमने खेला था अभी जो सबसे लंबा चला था वही सबसे बड़ा था, एंड उसके बाद तो हमने एक अटैम्प किया था बट उसमें बड़ी बुरी तरीके से मौत हो गई, राइट। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज़।
चैनल को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गेम प्ले देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।